आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज ना ट्रैक्टर पे बम्पर लगवाने के लिए जाना था, सीन कुछ ऐसा हुआ कल को तो मिस्त्री का टाइम नहीं लगा तो उसने मना कर दिया भाई नेक्स्ट डे आइयो, आज हमारा टाइम नहीं है। तो जोनी ने जो नया ट्रैक्टर लिया था ना वो 50-50 डी, तो मैंने आज जोनी को भेज दिया भाई तू जा, तू अपने पे लगवा ले बम्पर, अगर मेरा टाइम लगेगा ना ट्रैक्टर फ्री हो गया तो मैं भी लेके आ जाऊंगा। तो एक बार मैं खेत में जाकर देखता हूँ भाई कितना टाइम लगेगा, गेहूं काटने की जो कंबाइन है वो खेत में लगी हुई है, और जब वहां से ट्रैक्टर फ्री होएगा ना तो फिर मैं उसको पानीपत लेके चला जाता हूँ। अगर आज फ्री हो गया तो आज, आज नहीं फ्री हुआ तो कल, तो इतने में ये वीडियो डाल दूंगा जूनी वाले बम्पर वाले। वो सर बहुत दिन हो गए ना, कई भाई कह भी रहे होंगे भी मानू को नहीं दिखा रहे हो, तो आज उसको मानू की तबीयत आपको बताते कैसी है, और उसकी भी अभी उसके पास जाता हूँ और सो रही है बेचारी उसको उठा के फिर आपसे मिलवाता हूँ उसको। बेचारी ठीक हो गई है बिल्कुल, अब खेलने कूदने लगी है, खाने पीने भी लग गया, अब थोड़े दिन में ना वो हेल्दी हो जाएगी। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता रहा था भाई इसके लिए कोई देखते हैं कोई जो एक अमेरिकन बुलिया कोई छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का हमें और मिल जाए तो उसके लिए ले आएंगे, दोनों का मन लगा रहेगा, इकल्ले बंदे का ना घर में मन नहीं लगता है। तो बाकी एक बार दिखा देता हूँ आपको। मानो खड़ी हो जाए, आ राजा आया चल। हाँ हेलो, ये तेरे रिकॉर्डिंग का तरीका ना, क्या हो गया ठीक है, दही खा रही है मुंह पर, दही लग रही है, मुंह नहीं साफ कराया कर दे दही खाने के बाद, जा जा लेट जाए बखाट के नीचे। सीट गर्म हो रही इसकी तो, बुलेट भी आज पता नहीं कितने दिनों में स्टार्ट हुई है, बंद ही पड़ी रहती है, गर्मी में तो चलाने का मन ही नहीं करता। दाऊ तेरी बना दी वीडियो, सभी लगे हुए हैं भाई अपना अपना सीजन करने के लिए, सभी के ट्रैक्टर, किसी का रिपर पे चल रहा है, किसी का डंपर पे चल रहा है, किसी का कंबाइन चल रही है, सारा इतना एरिया पूरा सारा, मतलब यही दिन होते हैं 14-15 दिन होते हैं इन दिनों में, सारा काम सारा सब ही जल्दी होते भाई, हमारे गेहूँ जल्दी हो जाए खत्म, हमारे जल्दी हो जाए खत्म। चलो जाके देखते हैं हम भी अपना क्या चला हुआ खेत में। ऐसे ही मजा आता है भाई चलाने में बिना हाथ लगाए। पक्के में तो मैंने चला के देख रखी है, हाथ छोड़ के चल जाती है, लेकिन कच्चे में नहीं मैंने कभी देखे, एक मिनट देखता हूँ। जिम में चल जाती है या फिर गिरने का डर ज्यादा रहता है भाई कहीं गिर ना जाए, पर सर रुक जा कहाँ पे जाएगी आगे, गर्मी यार बहुत ज्यादा, बहुत से ज्यादा गर्मी। हाँ खड़ा तो है ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, देखिए उस दिन ना रात हो गई थी, म्यूजिक सिस्टम लगाते लगाते तो वायरिंग ऐसी कैसी छोड़नी पड़ गई यहाँ की भी और यहाँ की भी, चलो कर देंगे इसको कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगी। कंबाइन भी आ गई है, एक ट्राली से छोटी है सिंगल एक्सल वाली, एक ट्राली वहां पे खड़ी है बड़े वाली, दो ट्राली भरेंगी। लो जी हो गया काम चालू, पंजाब के बंदे पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा में ना मोस्टली पंजाब से ही आते हैं ज्यादातर, पहले ज्यादा आते थे लेकिन अब तो कम हो गए क्योंकि हरियाणा के लोग भी ज्यादातर कंबाइन अब लेने लग गए, पहले के लोग नहीं लेते थे लेकिन अब लेने स्टार्ट हुए। चलो ये भी एक अच्छी बात है, हवा भी दूसरी तरफ की है, धूल नहीं आ रही इधर, अगर हवा इस साइड की होती ना तो फिर यार मुझे बताने की जरूरत नहीं, ख्याल हो जाता, देख सकते हो। तो यार आज का ना थोड़ा शेड्यूल खराब रहेगा क्योंकि आज सोचा था ट्रैक्टर पे बम्पर लगवाना है ठीक है, तो वो कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल वो इसलिए करना पड़ेगा, एक महीना हो गया है, टूर्नामेंट था वहाँ पे गए हुए थे स्टंट करने, फर्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट में स्टंट किया था वहाँ पे गए हुए थे, तो रात को जहाँ पे रुके थे रवि भाई के घर पे रुके थे, तो शायद आप नहीं जानते होगे रवि भाई को यार, उसके साथ टोचन किया था यार, 5405 ट्रैक्टर था उनके पास, रेडल टायर थे उस वाले भी अपने वाले भी, उस भाई की आज शादी है, तो अभी एक दो हफ्ते पहले वो घर पे कार्ड देने के लिए भी आया था और बोला भाई टाइम से आ जियो, यार टाइम से जाया नहीं गया, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, और अभी भी 2-3 बज गए हैं,
अभी एक डेढ़ घंटा और लगेगा बस, ये काम सीजन का टाइम ना इसलिए टाइम नहीं लगता, सीजन के टाइम पे ना गलत हो गया यार, सीजन के टाइम पे उसने शादी करवा ली अपनी। श्लोक में लास्ट ही वीडियो, इसके बाद तो बम्पर चढ़ जाएगा, फिर पापा उतारने नहीं देते बम्पर को, बोलते भी सीजन का टाइम है बम्पर मत उतार, कहीं पे ना अलग लुक गया ना तो शो खराब हो जाएगी, अगर बम्पर होता ना तो फिर शो नहीं खराब होती, फिर तो बम्पर पे ही लग जाती है जो भी कुछ लगना होता है। बाकी चलो देखते हैं कैसी लुक आती है बम्पर चढ़ने बाद, ट्रैक्टर में वीडियो बना लेता हूँ, हो गया मशीन फुल। वो पापा भी आई भाई बढ़िया भाई, खेच के ले प्रोग्राम में ये मशीन वाले ना बहुत ज्यादा तेज दिमाग लगाते हैं, जानबूझ के इस तरफ खड़ा कराया भाई, हमारे ऊपर धूल लाए, ट्रैक्टर के ऊपर ड्राइवर के ऊपर धूल आ जाए, लेकिन इनके ऊपर धूल नहीं आनी चाहिए, अपना फायदा सोचते हैं। चलो कोई नहीं भाई, अब हवा इस तरफ की थी तो सारी धूल इस तरफ आ रही है, तो इन्होंने जानबूझकर इस कंबाइन को यहाँ पे खड़ा किया भाई, हमारे ऊपर धूल ना आए, बड़े तेज बन रहे हो। पापा भी आज पूरे हैवी ड्राइवर हो रहे हैं, ठीक है ये तो बता के वहाँ पे ले जा, लेकिन ये नहीं पता काम, मशीन के पीछे पीछे लगा लेता हूँ, अपने आप वो रास्ता बनाएगी ना तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। रोहित भी आ गया कोल्ड ड्रिंक लेके, ये तो यार इकला भी कर लेता मैं। अभी ये ट्राली जोड़नी है, जोड़ दिया ट्राली, मैं इसे थाम देता हूँ ट्रैक्टर में, बस गाने मैंने बंद कर दिए हैं, अब पापा अपने आप देख लेंगे, मैं स्विच काट देता हूँ ट्रैक्टर का, अब घर जाके ना आके हैं वहाँ पे उसकी शादी में जाना, वहाँ की तैयारी करते हैं चलने की, देखते हैं कब तक पहुंचा जाता है, 3 बज गए अभी तो। यार मुझे पता नहीं बाकी यार इस लुक को ना बड़ा मिस करूंगा यार, और तो मुझे किसी का पता नहीं, बाकी मुझे यार बिना बम्पर के ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगता है, बाकी चलो जो भी है वो बम्पर भी अपने हिसाब का थोड़ा अच्छा बनवाना है, क्या पता इससे अच्छी लुक आ जाए, स्टंट मारते टाइम भी कोई झंझट नहीं, ठीक है
रोड पे भी स्टंट थोड़े बहुत ब्रेक लगा करके अगर खड़ा करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ठीक है यार, सारा कुछ खड़ा कर दिया मैंने ट्रैक्टर को यहाँ पे, और अभी हम चलते हैं। देखो यार हालत कैसी होगी गर्मी की वजह से, जाने की तैयारी कर दी। पापा कह रहे हैं भाई ट्रैक्टर को वहाँ पे लेके आ। चलो ठीक है, अब जा रहा हूँ वहाँ पे लेके, फिर वहाँ पे खड़ा करके फिर जाऊँगा यार। थोड़ी ट्राई लेके देख लूँगी। पापा जी कह रहे हैं यहाँ पे तूने गलत थाम दिया इसको, थोड़ी सी दूर था, दूर रोकना था, क्योंकि एक बार ना ऐसा हो गया सीन, इनको ना जो कंबाइन वाले होते हैं इनकी भी गलती नहीं यार, इनको पीछे से दिखता नहीं ठीक है। और ना एक बार पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है उसने कंबाइन वाले ने रिवर्स गियर डाल दिया, पीछे उसको दिखा नहीं, ट्रैक्टर के सारा म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिया था, छतरी तोड़ दी थी, बहुत नुकसान कर दिया था यार उसने। वाह, आए आए हाय मजे। चलिए फिर आप करे हैं, चलिए ठीक है चल दें फिर। एक यार ये खड़ी है अपने स्प्लेंडर है, बहुत सारे लड़कों के ना कमेंट आते भाई स्प्लेंडर को वो लोग में लिया करो यार, इसकी हालात है नहीं अभी वो लोग में आने की, इसकी ना मैं फोटो अभी इसमें वीडियो में डाल देता हूँ, फिर फोटो ये चेक करो, ये फोटो देखो आप। मेरी हो गई दीवानी गड्डी देख तेरी चाल, उन नाल दिनु लाले मेरा भाई मेरे नाल, जो हमें बदनाम करते हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं, और अभी मिली नहीं है मंजिल, जो जलते हैं अभी वो और जलाने हैं। वो फिक्र करीना जट अजे ने मरदा तैन चेते करदा और दे टोचन वर्गी यार हप्पे यू पेंड तेरे ते पार। पहले ऐसी थी स्प्लेंडर, आज से ना 4 या 5 महीने पहले ऐसी थी, और अब देखो कैसी हो गई है। अब दोबारा से फिर से करानी है इसको, इससे भी अच्छी तैयार कराएंगे, जो फोटो दिखा रहे हैं ना इससे भी अच्छी तैयार कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले ट्रैक्टर को तैयार करा ले फिर इसको तैयार कराते हैं अच्छी तरीके से। सामान सारा इसका घर पे रखा हुआ है, बस 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, पूरी तैयार हो जाएगी। अगला फ्रंट टायर है जो वो भी मोटे वाला डालना है, पिछला और चौड़ा डालना है, तो बाकी बुलेट को भी तैयार करना है ठीक है, और स्प्लेंडर को भी तैयार करना है, टाइम लगेगा, करते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ ठीक है। अब चलते हैं घर पे, नहाते हैं एक बार, नहा के कपड़े चेंज करते हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद ना फिर चलते हैं यार ठीक है, वहाँ पे पहुँचना है, 1 घंटे का सफ़र है। चलो वो तो कोई नहीं यार, गाड़ी होती है ना जब वो तो जल्दी पूरा हो जाएगा, तो जाके वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, ये जोनिया ट्रैक्टर उसको भी रास्ते में देखना है यार। चलो ठीक है, वो आ गया घर पे, मैं एक बार गेट खोल देता हूँ। हाँ 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 ये आ जा आ जा, दिया करो इसने, बैर खेल रही थी, ये टॉयलेट भी तो करता है अंदर, इसकी अब तो प्रॉब्लम है। आ जा ना, यू लाड नहीं घटाओगा, यू लाड नहीं घटाओगा ना राम, तो हो गया हूँ तैयार। और बाकी सुमित शुभम वो दोनों यार पता नहीं यार इतना लेट क्यों कर रहे हैं यार, अभी तक आए नहीं है ठीक है, अभी अपना हाल कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया यार, धूल मिट्टी का ऐसा ही काम है, कोई नहीं रास्ते में देखेंगे, रास्ते में कराएंगे वॉशिंग इसकी। इतने गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, जो गर्मी है ना वो बाहर आ जाएगी। वाह यार, ये देखने शर्म नहीं आती यार, शर्म आवा तने को नहीं आती, ला भैया करवा दी मोटरसाइकिल तैयार, तेरी बाण तेरी कहती नई टंकी, नया मुर्गाड़ नया वाइजर तेरी, जो एक आम बड़कन छिड़दा रही है सारी उम्र, तोड़ा ढकले
ओ मांडू हाँ शो उठा रखी जोनी डायरेक्टर की तार तो नीचे नुए गारा में ला वा जोनी डायरेक्टर पे काम चल रहा है जोनी तो ग्रंडा जोनी फोन उठा ले ये मेरा सुना दे कैसा बम भर लिया एक नंबर का काम हो रहा है यहाँ पे पहुंच गया भाई बम्बर वाले दुकान पे यू खड़ा जोनी सारा दिन हो गया यार हैं दुखी हो रहा जोनी दुखी के भाई अपना काम है यू इस मेरे वाला पड़ा है यार मैं आज ना तो मेरा मेरे जी ने काम कितने आ फिर ये बैग है थोड़ा है के और नू नहीं मार में ट्रैक्टर भाई यू और सोनू तो फोन करया था यू भी आ था यू भी लेट आ था रो भी लेट आ था और सोनू तो फोन करया सोनू आया बेचारा स्पीड में बेचारा पड़ गया किसी ने ठोक दी उसकी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल फुट आई है उसकी चोट ब्रेक तोड़ दिया टंकी टूट गई और उसके पास में चोट लग गई बेचारे गुम चोट लग रही बैग देखे कितनी के नोई ऑटो में बैठे मोटरसाइकिल में बैठ के नहीं आंदा ये टंकी मोस दूर था नुकसान खराब है बहुत ज्यादा खराब है हमारी बाग बल बोटम पे जटे तुरदे कुड़े क्यों हो गया मालस करा फिर किने चोट किने एक्सीडेंट कर दिया पिट्टे नहीं तनो ओडिया काले एक प्लेट पर मेरे ख्याल से रेडी हो गया बनके ये प्लेट अभी बाकी है ठीक है ये आगे लगेंगे इनके सुमित के पीछे हूँ कैमरा लेगा सुमित जब तक नहीं लगाना जब तक कैमरा बस घर पे आ गए वहाँ पे फिर यार ज्यादा वीडियो मैंने फिल्म नहीं शादी में वहाँ पे यार 2000 भाई मिल गए थे तो ऐसे हर टाइम ही फ़ोन चलाना ठीक नहीं रहता यार फिर वो सोचे मैं ही सारा दिन फ़ोन में बड़ा रहता है हमसे तो बात की नहीं तो यहाँ पे शायद हमारे जाने के बाद ना बारिश आई होगी देखो क्या हाल हो गया यार फिलहाल यार मैं भी जाके कुछ वीडियो एडिट करता हूँ 12:30 हो गए हैं फिर सोने की तैयारी करते हैं 1-2 बजे तक सोऊंगा और तब कर देंगे सो हेलो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ना ये लास्ट में वीडियो ये क्लिप में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में भी नहीं की थी और उससे पिछले वीडियो में भी नहीं की थी आपके साथ बातचीत तो कमेंट मैंने आप सभी के पढ़ लिए हैं लास्ट वाले से लास्ट वाली वीडियो के पढ़ लिए और लास्ट वाली वीडियो के पढ़ लिए दोनों तीनों वीडियो के मैंने कमेंट पढ़ लिए बहुत सारे भाई बोल रहे हैं भाई कैसे आप स्टंट करते हो कौन से गियर में लगाते हो कौन से गियर में टॉर्चर करते हो टायरों में पानी कैसे भरते हैं कितना पानी रखते हैं स्टंट करते टाइम कितना पानी होना चाहिए मेसी के साथ टॉर्चर करो स्वराज के साथ टॉर्चर करो और 2-3 ट्रैक्टरों के और नाम है भाई उनके साथ टोचन करो पता क्या होता है भाई हमारे एरिया में ना जितने मैंने टोचन कर रखे हैं वो कर रखे हैं और अब कोई टोचन लगा के है ही नहीं भाई टोचन लगाने से पता नहीं वो डरते हैं पता नहीं क्या उनके मन में टोचन लगाते ही नहीं हमारे साथ यार कोई बाकी फिर भी एक स्वराज के साथ और मेसी देखते हैं कोई अगर कोई मेसी मिलता है तो उसके साथ टोचन करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम वीडियो डाल देंगे ठीक है और बाकी
बम्फर जो हमने सोचा था बनवाने के लिए वो यहाँ पे मिस्त्रियों से बना नहीं, और बाकी जैसा तैसा कैसा बनाया, कल उस पर पेंट करा के लेके आएंगे जो होने वाले बम्फर पे, तो वही अपने ट्रैक्टर पे एक बार चढ़ा के देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो सेम वैसा ही बनवा लेंगे, नहीं फिर उससे अलग टाइप का बनवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा खिंच गया बात इसका बम्फर का, तो देखते हैं क्या होता है यार, क्या नहीं होता है यार। एक म्यूजिक सिस्टम की उसकी वायरिंग भी ऐसी कैसी पड़ी है वो भी लगवानी है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। बाय।